जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। शनिवार को बेगूसराय लोकसभा चुनाव महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर हसन जी का रोड शो में सैकड़ों मोटरसाइकिल थे। रोड शो बीरपुर प्रखंड के कुरिया चौक से सिकरौला, मुजफ्फरा, डीह, नूला, गाड़ा, बड्डिया, पकड़ी, बीरपुर, गिहरपुर, जदर, पर्रा, फुलकारी होते हुए बरौनी प्रखंड के साहूरी, बभनगामा, निमका, बथौली में जाकर मतदाताओं से एक सच्चा सेवक होने के नाते वोट के माध्यम से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा, मैं आज लगभग 35 वर्षों से आपके बीच एक सेवक बनकर आप सबों की सेवा की है। आज देश की स्थिति किन्हीं से छुपी हुई नहीं है। आज देश एक जुमलेबाज, फरेबी और संविधान से छेड़छाड़ करने वालों के हाथों से बचाने के लिए आप अपना आशीर्वाद हमें दे, जैसे कि दिल्ली की गद्दी से इस युवा, किसान, मजदूर, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में हम कामयाब हो सके और बेगूसराय की जनता की आवाज बनकर सांसद भवन में आपके समस्याओं को मजबूती से रखने का काम करेंगे। आज के इस जनसंपर्क में बिहार सरकार के खिलाफ मतदाताओं में आक्रोश देखा गया। आज नीतीश जी ने बिहार के जनता के साथ धोखा दिया है, जिसे बिहार जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। आज बिहार में न तो युवाओं को रोजगार मिला, न किसानों की आय दुगनी हुई और न ही महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी सरकार के पास है। आपराधिक घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इस रोड शो में राजद अध्यक्ष अशोक यादव, बेगूसराय विधायक प्रतिनिधि ब्रजकिशोर सिंह, रामू सिंह, बीरपुर प्रखंड अध्यक्ष संजीव सिंह, उमा शंकर यादव, जय शंकर यादव, कुमार रत्नेश टुल्लू, कैलाश महतो, जिला परिषद नसीमा खातून, अमरजीत यादव, अरुण महतो, आलोक आनंद, अमित शाह, धर्मराज सहनी, राममूर्ति सिंह, मोहसून जावेद, बड़ौनी प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, चुनचुन राय, पवन कुमार, बबलू सिंह एवं कई महागठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन तमाम लोगों को छूट दी गई है। देश में हर तरह के विसंगति को बढ़ाया गया है। जीएसटी और नोटबंदी को लेकर के गरीब जनता को सताया गया है। इन सब कारणों से इन तमाम नेताओं ने तय किया कि अब के इस साल मोदी सरकार दिल्ली में नहीं आएगी। इसलिए महागठबंधन के सारे नेता जो यहाँ पर हैं, अगल बगल चुनाव लड़ रहे हैं। खगड़िया में मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं चुनाव, जिधर समस्तीपुर में लड़ रहे हैं अशोक राम जी लड़ रहे हैं चुनाव कांग्रेस के, और उजियारपुर में लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, बेगूसराय में मैं तनवीर हसन लड़ रहा हूँ। यानी गठबंधन के स्वरूप को पूरे क्षेत्र में देखिए तो एक गठबंधन का चेहरा सामने आएगा। इसलिए हमको आशा है कि आपके अपील पर आप बहुमत से लालटेन चौक पर बटन दबाकर अपना मत देंगे और इस गठबंधन को जिताएंगे। अपने गांव के आसपास भी आप लोग प्रयास करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए दूर बहुत जाना है। बहुत ज्यादा बोलने से समय लगेगा, लेकिन आगे का कार्यक्रम बाधित होगा। आपसे अनुरोध फिर करते हैं, अपील कि लालटेन छाप पर बटन दबाकर 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतों से अपने महागठबंधन को जिताएं। जय हिंद।